बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम ये लर्न करेंगे कि यूनिटरी टेस्ट क्या होता है, यूनिटरी टेस्ट को अप्लाई क्यों किया जाता है और यूनिटरी टेस्ट जो है वो ईवीओज में अप्लाई कैसे होता है और उसके रिजल्ट जब आते हैं तो उनको उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये है कि जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं तो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले यूनिटरी टेस्ट अप्लाई करें, क्योंकि जब हम यूनिटरी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद अगर सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो लेवल पे जो है वो स्टेशनरी आते हैं तो हम ओएलएस अप्लाई करते हैं, और अगर सारे के सारे वेरिएबल जो है वो वन पे स्टेशनरी होते हैं फर्स्ट डिफरेंस पे तो हम जोहानसन को इंटीग्रेशन टेक्निक की तरफ मूव करते हैं, और अगर सारे के सारे वेरिएबल जो है वो ना तो ज़ीरो पे आए, लेवल पे स्टेशनरी ना हो, ज़ीरो का मतलब लेवल है, और ना ही सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो फर्स्ट डिफरेंस पे हो, यानी कि मिक्स नंबर ऑफ इंटीग्रेशन हो ज़ीरो और वन, तो हम फिर ARDL की तरफ मूव करते हैं। तो अब जो है वो यूनिटरी टेस्ट अप्लाई करने के लिए जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली क्यों अप्लाई किया जाता है? यूनिटरी टेस्ट आपका बेसिकली स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए होता है कि आपके जो वेरिएबल है, जो डाटा है, वो स्टेशनरिटी उसमें है या नहीं है, वो स्टेशनरी उसका होना ज़रूरी है। अब टाइम सीरीज़ के बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन सीजनल, और नंबर टू ट्रेंड, नंबर थ्री साइक्लिकल, और नंबर फोर इरेगुलर। सीजनल का मतलब ये है कि किसी सीजन की वजह से किसी इंडिकेटर का चेंज होना, तो ये नॉर्मली क्वार्टरली डाटा में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और ट्रेंड का मतलब ये है कि कोई भी ट्रेंड आता है, टाइम ट्रेंड आता है, पॉपुलेशन की वजह से ट्रेंड आ जाता है, उसकी वजह से वो चेंज आ रहा है। जैसे हम ये कहें कि अगर फिश की कंजम्पशन सपोज 2016 में जो है वो जनवरी वाला जो इसका क्वार्टर है उसमें 2500 टन है, तो 2017 में अगर ये 3000 टन हो जाती है तो ये हो सकता है कि इसकी जो मेन रीज़न है वो पॉपुलेशन, टाइम और ये वाली चीज़ें हों। उसके बाद है साइक्लिकल इफेक्ट, के साइकिल के चेंज होने की वजह से भी जो इंडिकेटर है वो चेंज होता है। और नंबर फोर है कि कोई इरेगुलर शॉक अगर आता है, तो जैसे 2005 में जलजला आया था या फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1998 में या 2007 में, तो उसकी वजह से कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं कि हमने इन सारे के सारे ये जो बेसिकली हमने बातें की है ना, हमने तीन जो बातें की हैं, इन तीनों बातों को हमने कॉन्स्टेंट करने के बाद हमने ये देखना होता है कि किसी भी इंडिकेटर का किसी दूसरे इंडिकेटर के ऊपर जो इफेक्ट आया वो क्या था। तो साइक्लिकल जो ट्रेंड्स हैं वो जो सिंपल टाइम ट्रेंड्स हैं उनको, और जो सीजनल इफेक्ट्स हैं उनको हम बीच में से बेसिकली निगलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो यूनिटरी टेस्ट हम अप्लाई करने के लिए हमने डाटा जो है वो एंटर किया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये अगर ये एक वेरिएबल है कैपिटल, तो इसके ऊपर हम यूनिटरी टेस्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है स्टैंडर्ड यूनिटरी टेस्ट। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑगमेंटेड डिकी फुलर है, ADF है, वो डिकी फुलर टेस्ट है, फिलिप पेरन है, और इसके अलावा और भी दो चार हैं। तो हम ये ADF को अप्लाई करते हैं और ये लेवल पे हम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जिस तरह वेरिएबल हमने ऐड किया है, जो वेरिएबल गिवन है उसी लेवल पे हम उसका जो स्टेशनरिटी है वो चेक कर रहे हैं, यूनिटरी टेस्ट हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और अब ये जो जब हम इक्वेशन बनाते हैं इस वेरिएबल की, उसमें ये एक तो इंटरसेप्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेंड हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं ट्रेंड के साथ, और हम इन दोनों को बीच में से रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन क्राइटेरिया गिवन है, सॉज इन्फो क्राइटेरिया और अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है, और उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे जो है वो हम इसको जो गिवन है वही ले लेते हैं मैनुअल में। अब हम इसको अगर ओके करें तो ये यूनिटरी टेस्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया कैपिटल पे। अगर आप नल हाइपोथेसिस देखें तो ये लिखा हुआ है के हैज अ यूनिट रूट, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका नल है वो नॉन स्टेशनरी है,
null इसका क्या है, k है एज अ यूनिट रूट, यूनिट रूट का मतलब है कि ये नॉन स्टेशनरी वेरिएबल इसका null है बेसिकली, null is नॉन स्टेशनरी, या नॉन स्टेशनरिटी है। और अल्टरनेटिव क्या होगा, स्टेशनरिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको, अब हम इसको अप्लाई करने के बाद इसके रिजल्ट्स को देखते हैं, तो रिजल्ट्स में ये देखें कि एक तरीका जो पहला तरीका है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू चेक करें। तो अब ये देखें इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 0.4342 है, जो कि 0.10 से ग्रेटर है। हमें पता है कि जब 0.10 से लेस होती है प्रोबेबिलिटी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो के जो है वो नॉन स्टेशनरी है। तो हम इसको फिर दोबारा, हम एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में इनमें से किसी भी वैल्यू से बड़ी हो तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये उसी लेवल पे, जिस लेवल पे ये वैल्यू आएगी तो उस लेवल पे ये जो सीरीज है वो स्टेशनरी हो जाएगी। तो अब हम इसको दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे यूनिट रूट टेस्ट। तो अब हम इसको फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लेते हैं, लेवल पे तो ये स्टेशनरी नहीं हुआ, तो अब फर्स्ट डिफरेंस पे हम चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखें फर्स्ट डिफरेंस पे जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये लिखा आ गया डी के, यानी कि उसने कैपिटल का डिफरेंस लिया हुआ है। और यूनिट रूट टेस्ट वो ये कह रहा है कि जो ये वेरिएबल है चेंज इन के, तो ये यूनिट रूट है इसमें, या ये नॉन स्टेशनरी है। तो इसके बाद जब हमने इसको चेक किया तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0.00 से कम है। तो अगर ये 0.10 से कम होती है तो हमने कहा था कि जो नल है वो रिजेक्ट होगा, तो इस केस में जो नल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा कि अब जो के सीरीज है बेसिकली वो फर्स्ट डिफरेंस पे जाके स्टेशनरी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे सपोज ये जो जीडीपी है इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो ये यूनिट रूट टेस्ट, स्टैंडर्ड यूनिट रूट, ऑगमेंटेड डिकी फुलर, इसको हमने लेवल पे चेक कर लिया तो ये आ गया, ये भी सेम उस तरह से नॉन स्टेशनरी है। इसको हम फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लेते हैं, और फर्स्ट डिफरेंस पे चेक करने के बाद जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो ये आ जाएगा 0.10 से लेस आ जाएगी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। और अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में आप ये देखें, अब ये देखिए 0.03 का मतलब है कि ये 0.05 से लेस है, तो इसका मतलब है कि 5% पे जाके ये सिग्निफिकेंट होगा रिजल्ट, या ये जो टी सेट की वैल्यू है, कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी देखें कि ये जो मैंने दूसरा फार्मूला बताया था कि ये जो 3.14 है, ये यहाँ से हम देखेंगे कि ये किससे लेस है या ये किस वैल्यू से ग्रेटर है, तो ये इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आ रहा है, ये इससे लेस है। अगर ये इससे भी होता ग्रेटर तो ये 1% पे आता। तो ये था बेसिकली यूनिट रूट टेस्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बाकी जो टेस्ट हैं उनकी तरफ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।